back to the new vlog. आज तो मैंने सोचा कि भैया नहा के ही ढंग के कपड़े पहन के थोड़ा सा ढंग से दिख के तभी व्लॉग बनाना चाहती हूँ, वरना मेरा भाई कह रहा है तेरे पास सेम ही कपड़े हैं कि घसीटे फटीचे कपड़े पहन लेती है। मेरी मम्मी ने तो ऊपर से बोल दिया अगर तू दूसरे कपड़े पहन के व्लॉग नहीं ना तो मैं तेरे व्लॉग देखने ही बंद कर दूँगी। और तो वैसे कोई देख नहीं रहा, और जो एक दो ऑडियंस है उनको ही खुश कर लूँ अभी तो मैं। तो गाइस मैंने अपने ऑफिस में मेल कर दिया था कि इस वीक मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी और तो फिर घर से काम करूँगी। कल की तो मैंने ऑलरेडी छुट्टी ले ली थी तो मैंने काम भी अपना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं नहा ली, फिर मैंने सोचा कि चलो अब व्लॉग बनाते हैं। तो गाइस होप आप सब अच्छे होंगे क्योंकि मैं अभी थोड़ा बेटर फील करती हूँ। आपको भी लग रहा होगा कि मैं बेटर ही फील कर रही हूँ, ठीक है। बाकी एक ही अपडेट है कि कैंडी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो अभी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर दवाई देगा, दवाई लिख दी है वो, हमने इसको एक डोज दे दिया, बाकी मे भी दोपहर के बाद वो आके इसको देखे। ये ठीक ही है वैसे वो, ये देखो ये कैंडी कैंडी और ये चीकू चीकू। इसको हमने हम बांधते नहीं ना, अभी हमने इसको बांध के रखा हुआ है क्योंकि आंटी अंदर काम कर रही है, आंटी भी आ गई हैं तो इसलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा। बाकी इसको तो आदत है बनने की, अभी ये सो ही रही थी, अब उठी है मेरे आने पे। ऐसे बोलो सबको हाय जल्दी से बोलो, ऐसे हाथ हिला के हाथ हिला दे, अरे गाइस ये मेरी काम वाली आंटी, गाइस वो आंटी थी और और मम्मी बोल रहे हैं उन्होंने दो दिन की बोल के तीन दिन की छुट्टी ले ली, तो अब आंटी कह रही है कि अब क्या मैं किसी के जाना आना बंद कर दूँ क्या, तो उनकी अपनी चल रही है। तो ये भी आपको मेरे रोज ब्लॉग में दिखेगी कहाँ पे। अरे आप चली जाओ ना, थोड़ा खुद ही वॉक करती करती प्लीज चली जाओ, फिर कब आओगी। जल्दी आना फिर मैं क्या खाऊंगी। हाय तोड़ दे मुझे, नहीं आप मेरे लिए समोसे लाओगी शाम को, नहीं तो फिर आप जा सकती हैं, आप जा सकती हैं। नहीं, 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 नहीं। अरे वो जा रही है ना, आप पीछे जा रही है ये, बाय बाय बाय। और अभी ऐसा है कि मैं लंच, मेरा लंच करने का बिल्कुल मन नहीं है तो मैं बनाने जा रही हूँ कॉफी, है ना कॉफी। नीचे भी गिर गया गाइस,
सब है, दिखाते कोई नहीं है। वैसे ना मुझे ना कोल्ड कॉफी इतनी पसंद है, बट अभी सर्दियां भी आ गई है और जुकाम भी है, मुझे कुछ भी नहीं है, तो मैं कोल्ड कॉफी पसंद है। कोल्ड कॉफी से ना एक मैंने कॉमिक स्टैंड में देखा एक दिन, था मुझे शायद बात करता था तो मेरे वायरल हुआ था। कोल्ड कॉफी पीने से ना अभी ना वाली पीनी जाती है, तो मैं चाय वाइट नहीं, लेकिन सच ये है कि आती है कोल्ड कॉफी से आती है, मेरे को उसके अंदर विद आइसक्रीम और फलाना ढिमकाना ये सब। कोल्ड कॉफी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे ठीक ठीक वाली, और उसके अंदर ऐसे चॉकलेट सिरप डाल के मस्त दे, और ज़्यादा नहीं, और उसके जो फालतू के वर्जन वाले ना किटकैट शेक, ओरियो शेक, ये शेक वो शेक नहीं पसंद, ओनली कोल्ड कॉफी। और कॉफ और अगर मेरे को हॉट कॉफी पीनी है तो ऐसे ही पसंद है अच्छे से, तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते थे अच्छे से बोलते हैं, तो नाम याद होगा नहीं। आई थिंक वी आर गुड टू गो, तो अभी के लिए इतना ही है, ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगी आपके सामने, ऐसे पूरा ही वो कर दूँ, इतनी मेरे को हिम्मत नहीं आती, इतनी बहुत है। तो गाइस छन्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मलाई ना बड़े बड़ों के मजे कितने कर देती है, और मैं तो अपना मजा बिल्कुल भी कितना नहीं लेती, मेरा बस चलेगा मैं 10 बार छानूँ और 10 बार गर्म करूँ अगर ये चाय में भी मलाई आ जाए तो। गाइस कॉफी देखिए गाइस, नाइस ये देखो, सो गाइस मेरी मम्मी है बड़ी अच्छी, ये देखो मना करके गई थी लेकिन लेकर आई है, एक कचौड़ी है, ये नई दुकान खोली है वहाँ से लेकर आई है, ये ब्रेड पकौड़ा, ये एक समोसा, सारी टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। दोनों बेबीज को हमने पहना दिए कपड़े। गाइस सो सैड, आज इंडिया हार गई इंग्लैंड से, बट ये हुआ भी तुम लोगों की वजह से, मतलब हम लोगों की वजह से, प्रेशराइज कर देते यार, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लो हार गई इंडिया। और मैं तो देखती ही नहीं, क्योंकि एक बार मैंने मैच देखा था, इंडिया हार गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ही देखना, तो मैं तो देखती हूँ, मैं तो सब आप लोगों के भरोसे छोड़ा हुआ था, बट आप लोग भी मेरी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, बट कोई नहीं, एटलीस्ट यू नो हम सेमीफाइनल्स तक तो पहुँचे, तो बस कुछ नहीं होता गाइस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ओके, और मैं नहीं देखूँगी, ठीक है। और हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना फाइनल देख लूँ, पाकिस्तान तो हार ही जाए। ओके कोई नहीं, होता है चलता है, जिंदगी है, ठीक है। सो गाइस आज का ऐसा हो रहा है कि मेरा कुछ करने का मन नहीं है, बस काम बहुत है, बट मेरा मन नहीं करता करने का, तो आज का दिन भी गुजर गया, कोशिश बहुत की है मैंने काम करने को, बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत है मेरी लाइफ में, तो इधर उधर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, और ऐसे नहीं बड़े सीरियस डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, यू नो प्राइवेट जॉब, मस्ती भरी जॉब, आईटी वाले हम, आईटी वाले, बट कल मैं सीरियसली काम करूँगा, क्योंकि डेडलाइन भी कुछ होती है ना, और फिर कुछ रेपो भी होती है कि भाई बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है, ठीक है, तो मैं अपना काम भी करूँगी। तो आज के लिए मैं इतना ही, आज मेरा ऐसा खास है नहीं, तो इसलिए मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, अब कुछ कल देखते हैं क्या कर सकते हैं, कल तो वैसे भी फ्राइडे है, बट मुझे क्या, मेरे में रहने वालों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, बस मेरे, लेकिन मेरे को एक्साइटमेंट हो रही रहती है वीकेंड की, करना मुझे कुछ नहीं आता, बट एक्साइटमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा ना, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, तो मैं तो खुश हो जाती हूँ, भाई वीकेंड देखी जाएगी, कुछ होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बस ओके।
गाइस बाय। हां गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार मेरे चैनल को, अभी मैं सीख रही हूं, सीखते सीखते बंदा ग्रो करता है, तो आप मेरा साथ तो दे दो प्लीज प्लीज, कर लो यार कर लो, फिर आप मेरा चैनल बनाना, मैं सारे के सारे सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे भेज दूंगी, मेरे साथ आप भी ग्रो करो ठीक है, वी विल ग्रो टुगेदर, वी ग्रो टुगेदर ठीक है ऐसे। ओके गाइस बाय, गुड नाइट, वैसे अभी 6:51 हुए बट फिर भी गुड नाइट, एंजॉय।